हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क पावर एनर्जी के। आज के इस लेक्चर में हमें पावर को पढ़ेंगे कि पावर क्या होती है, और फिर उसके बाद में पावर के ऊपर ही बेस्ड कुछ अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पावर। पावर क्या होती है? पावर की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स इज कॉल्ड पावर। ठीक है। अब देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स वो क्या होता है? एफ डॉट डी आर। तो पावर क्या होगी? रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगी? एफ डॉट डी आर बाई डी टी। अब देखो, डी आर बाई डी टी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ए फोर्स वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ए फोर्स। ठीक है। और अब देखो, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ए फोर्स डॉट प्रोडक्ट है इंस्टेंटेनियस फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ पावर वो क्या होगी? अब देखो, पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स, मतलब वर्क बाय में टाइम। तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। और वाट, बात एक ही है। और जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, जो पावर की, वो होती है हॉर्स पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। ठीक है। हॉर्स पावर, पावर की कमर्शियल यूनिट होती है ये। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर भी होता है। ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स पावर होती है। पावर रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स या इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ए फोर्स वो क्या हो जाएगी? फाइनली इंस्टेंटेनियस फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पावर स्केलर क्वांटिटी है। पावर की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड बोल सकते हैं या वाट। और कमर्शियल यूनिट पावर की हॉर्स पावर है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। तो दो, अब मैंने इरेज किया ना, उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। पावर क्या होती है? रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, जो कि इंस्टेंटेनियस फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आई है। एसआई यूनिट पावर की जूल पर सेकंड और वाट। कमर्शियल यूनिट वो क्या होगी? हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर भी होता है। ठीक है। अब पावर के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। ठीक है। इस पे मैंने 2 kg का ब्लॉक रख दिया आराम से रेस्ट पे। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड दिस रफ ग्राउंड 0.4 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस 2 kg ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। कितना? 10 न्यूटन। और कितने एंगल पे? 53 डिग्री। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल पे गिवन है 4, 3, 5। और फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट विल बी पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड
बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, चार ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0 वाट। बी ऑप्शन में 11.4 वाट। सी ऑप्शन में 13.4 वाट। डी ऑप्शन में 14.4 वाट। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ए फोर्स क्या होती है, इंस्टेंटेनियस फोर्स डॉट वेलोसिटी, या इंस्टेंटेनियस फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मुझे इस ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाए एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो क्या मैं इसे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं मैं एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ही? बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करो, इसका एफबीडी बना लो। एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन, ठीक है। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये कंपोनेंट क्या जाएगा, 10 cos 53 मतलब 6 न्यूटन, और ये कंपोनेंट 10 sin 53 मतलब 8 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड है, वो कितनी आ जाएगी, 12 न्यूटन, क्योंकि 12 + 8 है 20। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 × 12 मतलब ये आ गई 0.4 × 12, 4.8 न्यूटन। अब देखो ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है ना, और जो कि 4.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो ये 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सलरेट जरूर करेगा विद सम एक्सलरेशन। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 4.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ब्लॉक का एक्सलरेशन राइट की तरफ कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए। इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना, 6 - 4.8 डिवाइडेड बाय मास 2, तो ये कितना आएगा, 0.6 m/s². इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक है ना, रेस्ट से एक्सलरेट करेगा राइट की तरफ इस रफ ग्राउंड पे 0.6 m/s² कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन से। तो एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी वी फोर वो क्या हो जाएगी, u+at, u0 प्लस एक्सेलरेशन 0.6, टाइम इंटरवल 4 सेकेंड, तो ये कितनी आ गई, 2.4 m/s। एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 2.4 m/s। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। तो एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, और टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इस ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2.4, और टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में एंगल कितना आएगा, 53 डिग्री ही आएगा। तो कोस ऑफ 53 ये कितना हो जाएगा, 3/5, तो ये कितना आ जाएगा, 14.4 वाट। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर तो निकल गया। अब इसमें एडिशनली मान लीजिए और पूछ रखा हो, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ, पावर डिलीवर्ड बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, वैसे पूछ नहीं रखा, अगर पूछ रखा हो तो इसी फॉर्मूले का यूज होना है। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी मुझे पता है, 2.4 m/s राइट की तरफ, तो एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय दिस काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 4.8 न्यूटन इंटू में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 2.4। और देखो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इस डायरेक्शन में राइट की तरफ 2.4, तो कोस 180 माइनस 1। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा, -11.52 वाट। अब देखो एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स वो आई 14.4 वाट, पॉजिटिव आई ना, तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक को एनर्जी डिलीवर करेगा एक्चुअली, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी के डिलीवर करने की रेट वो क्या होगी, 14.4 वाट। अब देखो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पावर डिलीवर्ड बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो नेगेटिव आई, और कितनी आई, -11.52 वाट नेगेटिव आई ना, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, डिलीवर नहीं करवाएगा, इनफैक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन तो एनर्जी खाएगा, नेगेटिव साइन यही बता रहा है। और टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी के खाने की रेट वो क्या होगी, 11.52 वाट, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो एनर्जी खाएगा, और टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा एनर्जी के खाने की रेट वो क्या होगी, 11.52 वाट। और टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स वो कितना आया, 14.4 वाट, पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी डिलीवर कराएगा इस ब्लॉक को, एनर्जी डिलीवर करवाएगा, खाएगा नहीं, प्रोवाइड करवाएगा इस 2 kg ब्लॉक को। और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन एनर्जी के डिलीवर करने की रेट वो क्या होगी, 14.4 वाट, ठीक है। हालांकि इसमें यही पूछ रखा था इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और ये आंसर आया है 14.4 वाट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अगेन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है, और क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में, मान लो ये एक स्मूथ ग्राउंड है, एब्सोल्युटली स्मूथ ग्राउंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0। यहां पे मैंने इस स्मूथ ग्राउंड पे 2 kg का ब्लॉक रख दिया आराम से रेस्ट पे, और फिर इस 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना, 2t+1 न्यूटन, जो कि टाइम के साथ बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक एक्सलरेट करेगा क्योंकि ये ग्राउंड स्मूथ है, और 2 kg ब्लॉक पे ये एक्सटर्नल फोर्स टाइम के साथ बढ़ेगा, तो 2 kg ब्लॉक एक्सलरेट करेगा और एक्सलरेशन भी बढ़ेगा 2 kg ब्लॉक का। तो पूछ क्या रखा है, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 10 वाट, बी ऑप्शन में 15 वाट, सी ऑप्शन में 20 वाट, डी ऑप्शन में 25 वाट। अब इसको सोल्व करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला देखो क्या है, इंस्टेंटेनियस फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस फोर्स तो मुझे पता है एक्सटर्नल फोर्स, जो कि टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल फोर्स है। अगर मुझे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस 2 kg ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाए तो सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, इस 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ही हो जाएगा 2t+1 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इंटू में एक्सलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो एक्सलरेशन कितना आ गया, 2t+1/2, और ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो डीवी कितना आ गया, 1/2 इंटू में 2t+1 dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, मतलब वेलोसिटी 0,
एट एनी इंस्टेंट टी, मान लो इस 2 kg ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी, तो वी इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर प्लस टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 2 kg ब्लॉक की एट एन इंस्टेंट टी, वो कितनी आ गई 1/2 इंटू में टी स्क्वायर प्लस टी। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस 2 kg ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी टू वो कितनी हो जाएगी, टी को 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 / 2 3 m/s, ठीक है। तो अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, ये फाइंड आउट करना है ना। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कितना है, 2 × 4 + 1 = 5 N, और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस 2 kg ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी जरूरत पड़ेगी वो कितनी, 3 m/s। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या आ जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि 5 N इंटू में एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3, और एक्सटर्नल फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एंगल तो 0 ही आएगा, तो cos 0 1, तो ये आ गया 15 W। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s स्केल गिवन है, और क्या गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 3, एक एलिवेटर है, ठीक है, क्या है ये एलिवेटर, इस एलिवेटर का मास वो कितना गिवन है, 1500 kg, ठीक है। इस एलिवेटर को विद द हेल्प ऑफ मोटर ऊपर की तरफ उठाना है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उठाते ले जाना है विद द हेल्प ऑफ मोटर, मोटर की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगा ना, क्योंकि मोटर इस एलिवेटर पे ऊपर की तरफ एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी, उसकी वजह से ये 1500 kg का एलिवेटर ऊपर की तरफ है उठता जाएगा और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से उठाना, ये भी गिवन है। और क्या पाया कि ये जो एलिवेटर है ना 20 सेकंड में ऊपर की तरफ 20 मीटर उठ गया, 20 मीटर इन 20 सेकंड, ये गिवन है, ये क्या है गिवन कि विद द हेल्प ऑफ मोटर ये एलिवेटर 20 सेकंड में ऊपर की तरफ 20 मीटर उठता चला गया या उठ गया और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चला, ये भी जान रहे ये एलिवेटर ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चला है। तो एक तरह से इस एलिवेटर की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी आएगी, 20/20 1 m/s, ये गिवन नहीं था, ये हमने निकाला है अपने आप से, ठीक है। और जिस मोटर की हेल्प से इस एलिवेटर को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, और ये पाया 20 सेकंड में ऊपर की तरफ 20 मीटर उठ गया ये, तो इसका मतलब 1 m/s कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चला होगा, उस मोटर की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी उस मोटर की कितनी गिवन है, 75%। और इन केस ऑफ मोटर क्या होता है, देखो मोटर को इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की जाती है, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसा ही तो होता है, मतलब पी इनपुट इलेक्ट्रिकल, और मोटर की कुछ आउटपुट होती है जिसकी वजह से ये एलिवेटर ऊपर की तरफ उठा होगा, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, उस मोटर को
कितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करनी होगी ये फाइंड आउट करना है। पी इनपुट इलेक्ट्रिकल उस मोटर की एफिशिएंसी 75% गिवन है और उसे मोटर की हेल्प से मैंने इस 1500 केजी मास के एलिवेटर को ऊपर उठाया कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से और ये पाया कि 20 सेकंड में ऊपर की तरफ 20 मीटर चला ये, तो एक तरह से 1 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चला। ये गिवन नहीं था, ये मैंने यहां से निकाला 20/20 गिवन ये था। तो उस मोटर को कितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करनी होगी पी इनपुट इलेक्ट्रिकल ये फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन गिवन है ठीक है, हॉर्स पावर में गिवन है। ए ऑप्शन में 23.8 हॉर्स पावर, बी ऑप्शन में 24.8 हॉर्स पावर, सी ऑप्शन में 25.8 हॉर्स पावर, डी ऑप्शन में 26.8 हॉर्स पावर। अब इसको सोल्व करते हैं। आउटपुट पावर फ्रॉम मोटर इस एलिवेटर को ऊपर उठाने के लिए वो क्या होगी, एक तरह से वो फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो अब देखो इस एलिवेटर को विद द हेल्प ऑफ मोटर ऊपर की तरफ उठाया गया है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से और कुछ इस तरीके से कि 20 सेकंड में ये 20 मीटर ऊपर उठ जाए, या एक तरह से मैं बोलूं 1 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठाया गया इस एलिवेटर को विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो इसका मतलब इस एलिवेटर पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एलिवेटर एक्सेलरेटेड नहीं है, 1 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठाया विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो इस एलिवेटर पे एक तो एमजी फोर्स आएगा 1500 × 10 कितना 15000 न्यूटन। तो जो फोर्स मोटर ने अप्लाई किया ना इस एलिवेटर पे ऊपर की तरफ उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होना चाहिए 15000 न्यूटन, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा इस एलिवेटर पे। तो देखो आउटपुट पावर फ्रॉम मोटर इस एलिवेटर को ऊपर उठाने के लिए वो क्या होगी, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मोटर के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स का मैग्नीट्यूड 15000 न्यूटन इनटू में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इस एलिवेटर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कितना है 1, और मोटर के द्वारा फोर्स इस एलिवेटर के ऊपर की तरफ अप्लाई किया गया ना 15000 न्यूटन, तो फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 1, तो ये कितना आ गया 15000 वाट। इसको हॉर्स पावर में बदलो 746 से डिवाइड कर दो ना तो ये आ जाएगा 20.1 हॉर्स पावर ठीक है। तो अब देखो मोटर की परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ मोटर वो क्या होगा, आउटपुट पावर ऑफ मोटर जो कि यूज हुई है इस एलिवेटर को ऊपर उठाने में डिवाइडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टू मोटर इनटू 100, यही तो होता है, और ये कितना गिवन है 75%। और आउटपुट पावर फ्रॉम मोटर टू लिफ्ट दिस एलिवेटर वो कितनी निकल के आई 20.1 हॉर्स पावर। तो यहां से इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर टू मोटर वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ना, और वही फाइंड आउट करना है वो कितना आ जाएगा 20.1 इंटू में 100 / 75 इतने हॉर्स पावर। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 26.8 हॉर्स पावर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है। अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है ठीक है। और क्या गिवन है फोर्थ न्यूमेरिकल में, मान लो एक ट्रेन है उसका मास गिवन है, मास m ऑफ ट्रेन वो गिवन है 5000 क्विंटल ठीक है, और ये एक रफ इंक्लाइंड गिवन है
क्या है, एक रफ इंक्लाइंड जिसकी इंक्लिनेशन थीटा विद ग्राउंड वो कितने की बना है, 10 डिग्री, और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रेन एंड दिस रफ इंक्लाइंड वो कितना गिवन है, 0.1। ठीक है, होना क्या है, इस रफ इंक्लाइंड पे ट्रेन को अप द इंक्लाइंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना है, और वो कब होगा, ये ट्रेन सोचो अप द इंक्लाइंड इस रफ इंक्लाइंड पे कब दौड़ पाएगी, जब इस ट्रेन का इंजन ऑन होगा, उस इंजन के ऑन होने की वजह से, एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस ट्रेन पे ऊपर की तरफ एफ फोर्स एक्ट करेगा, और ऐसा गिवन है इस न्यूमेरिकल में, ये ट्रेन अप द इंक्लाइंड 54 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रही है। ठीक है, ये ट्रेन अप द इंक्लाइंड 54 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रही है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा ना जब इंजन ऑन होगा, इंजन ऑन होने के कारण इस ट्रेन पे ऊपर की तरफ अप द इंक्लाइंड एफ फोर्स एक्ट करेगा। तो फाइंड आउट क्या करना है, पावर ऑफ द इंजन, इंजन की पावर फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी, मेगावाट में गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 16.4 मेगावाट, बी ऑप्शन में 20.4 मेगावाट, सी ऑप्शन में 22.4 मेगावाट, और डी ऑप्शन में 24.4 मेगावाट। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या हुआ है, इंजन के ऑन होने की वजह से ये ट्रेन को अप द इंक्लाइंड 54 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना है, तो इंजन के ऑन होने की वजह से एक तरह से क्या होगा, इस ट्रेन पे अप द इंक्लाइंड एफ फोर्स एक्ट करेगा, और इस ट्रेन को अप द इंक्लाइंड 54 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना है, तो इस ट्रेन का एफबीडी बनाओ, एम जी फोर्स आएगा, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी कोस थीटा, ये कंपोनेंट एम जी का एम जी साइन थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड इस ट्रेन पे वो कितनी आएगी, एम जी कोस थीटा, और इस ट्रेन पे बाय रफ इंक्लाइंड पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू इंटू में एम जी कोस थीटा, और इस ट्रेन को अप द इंक्लाइंड 54 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना है, तो इस ट्रेन पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ट्रेन के इंजन के ऑन होने की वजह से जो इस ट्रेन पे अप द इंक्लाइंड एफ फोर्स एक्ट करेगा एक तरह से, वो कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन, तभी तो इस ट्रेन पे नेट फोर्स जीरो होगा ना, एम जी साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि म्यू एम जी कोस थीटा है, और ये कितना आएगा, बस वैल्यूज पुट करनी है, एम मास ऑफ द ट्रेन क्विंटल में गिवन है ना 5000 क्विंटल, केजी में कितना हो जाएगा, एक क्विंटल में देखो 100 केजी होते हैं, तो इंटू में 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 × 10^5 kg, तो मास ऑफ द ट्रेन को इतना पुट करो, इतना केजी, 5 × 10^5, जी को 10, थीटा को 10 डिग्री, म्यू को 0.1, मास ऑफ द ट्रेन अगेन ये जी 10, थीटा 10 डिग्री, तो एम जी साइन थीटा ये कितना आएगा, 0.868 × 10^6 प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी कोस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 49.2 × 10^4, तो इनको ऐड करने के बाद में ये कितना आ जाएगा, 136 × 10^4 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो इस ट्रेन की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अप द इंक्लाइंड वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकता हूं ना, 3.6 से डिवाइड कर दो, 54 / 3.6, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी इस ट्रेन की वेलोसिटी अप द इंक्लाइंड, वो आएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड आउट क्या करना था,
पावर ऑफ द इंजन, या एक तरह से इंजन के ऑन होने की वजह से जो ये ट्रेन अप द इंक्लाइंड 54 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ी है ना, इंजन के ऑन होने की वजह से इसके ऊपर एफ फोर्स एक्ट किया होगा, तो इस एफ फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड टू दिस ट्रेन, वही हमारा आंसर हो जाएगा पावर ऑफ द इंजन, या इंजन की इतनी पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर ऑफ इंजन वो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये जो इंजन के ऑन होने की वजह से ये जो ट्रेन अप द इंक्लाइंड 54 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दौड़ी है, तो इंजन के ऑन होने की वजह से इस ट्रेन पे एक तरह से एफ फोर्स एक्ट करेगा, कितना, इतने न्यूटन। तो इस एफ फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड टू दिस ट्रेन, वही क्या हो जाएगी पावर ऑफ द इंजन, वही फाइंड आउट करना है। तो इस एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड 136 इंटू में 10 की पावर 4, इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, इंटू में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, इंटू में कोस 0, क्योंकि इंजन के ऑन होने की वजह से जो इस ट्रेन पे एफ फोर्स एक्ट किया है इतना, इसके और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 आ गया ना, तो कोस 0 1। तो ये तो आ गया वाट में, आंसर चाहिए है मेगावाट में, और एक मेगावाट कितना होता है 10 की पावर 6 वाट के बराबर, तो बस इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो, मेगावाट में आंसर आ जाएगा, और ये कितना आएगा 20.4 मेगावाट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया पावर ऑफ द इंजन, वो कितनी होगी 20.4 मेगावाट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में पावर के ऊपर ही बेस्ड 2-3 और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।